चलिए दोस्तों, रांची में हो रही है झमाझम बारिश और मौसम हो चुका है बिल्कुल मटन खाने वाला। जी हाँ दोस्तों, मटन खाने वाला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आया हूँ दोस्तों रांची का ना एक और हिडन जेम दिखाने आपके। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जो भैया है ना, वो मटन अपने हाथों से खुद बनाते हैं, खुद ही सर्व करते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं, यानी कि वन मैन आर्मी शो है। होटल का नाम है दोस्तों सालन होटल और बारिश हो रही है। देखो क्या मस्त वाली रांची में ना मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रखा है दोस्तों, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मटन खाने का ना मज़ा आएगा। आइए अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं, समझते हैं उनकी स्टोरी किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, मटन चक्के देखें किस तरीके का है ना। अगर वो खुद बना रहे हैं और काफ़ी सालों से बना रहे हैं तो भाई स्वाद तो होना चाहिए है ना। आ जाओ लेके चलता हूँ, आ जाओ। दोस्तों हमारा जो मटन है ना वो बनने की तैयारी हो चुकी है शुरू। देखिए इसको सबसे पहले अब ये ले रहे हैं भैया पतीला। पतीला पतीला भी कांसे का होना चाहिए। अच्छा, तो अभी डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर सरसों का तेल सबसे पहले। रिफाइन यूज नहीं करते हैं, तेल भी काफ़ी लिमिटेड रहता है हमारा बनने का। आप इसको टेस्ट करेंगे तो हाथ में लगेगा नहीं तेल। प्याज डलेगा इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज। तो तेल देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल धुआं छोड़ रहा है, यानी गर्म हो चुका है। जो प्याज है जो भी काटा है ना बारीक स्लाइसेस, वो डाल दीजिए। अभी नमक दो डलता है, वो नमक इसलिए ज़्यादा आता है कि प्याज का जो पानी होता है ना उसको सक करने में हेल्प करता है नमक। अब उसके बाद हमको इसके प्याज का पानी को पूरा डला देना, राइट। तो लो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं वन मैन आर्मी मिस्टर रोहित, है ना सर। तो सर कैसे शुरुआत की आपने अपने मटन, मतलब कैसे शौक है आपको, या कैसे आपने बोला कि जिस तरीके से मैं अकेले ही रन करता हूँ सारी चीज़ें, जैसे आप बनाते भी हैं खिलाते भी हैं है ना, सारी किचन भी मतलब संभालते हैं, तो कैसे कैसे दिमाग में आया कि मटन का बिजनेस जो है वो शुरू किया जाए। 15 साल हम फील्ड वर्क किए। अच्छा, फील्ड वर्क में थे 15 साल। हाँ हाँ, ठीक ठाक चल रहा था। राजा फील्ड वर्क में होता है क्या कि दोपहर का लंच बाहर ही लेना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। बाहर में अब चावल दाल तो मजा आता नहीं था। हाँ, हाँ। खाता ही था या तो मटन नहीं है, चिकन ले लेता था या फिश ले लेता था या एक ले लेता था। मटन खाने से पहले परहेज करता था। और हमारे टाइप के बहुत सारे लोग थे फील्ड में काम करने वाले लोग, मटन खाने का मन सबको रहता था लेकिन डाउटफुल था कि बढ़िया मटन है कि नहीं। हाँ, एक गैप देखते थे कि गैप है, ट्रस्ट हो जाए। अब जहाँ पर मटन का ऐसा नहीं कि मटन का भीड़ रहता था कुछ एक जगह पर, जहाँ पर ट्रस्ट था लोगों को, है ना। जब वो काम कर लिए मन में आया कि अब ऐसा करना है कि अब लोड वर्क वगैरह करना नहीं है। टारगेट बेस्ड जॉब था वो, इतना टारगेट है, ये वो है, बहुत तरह का प्रेशर कि अपना कुछ काम करना है, इसलिए मजा भी आए, इंजॉय भी करें। तो वही बिजनेस वो करो जिसमें आपने खुद को अच्छा लगे, है ना। तो उसमें मन भी लगता है और मजा काम करने में अच्छा लगता। और क्योंकि हम उस पर जब फील्ड वर्क करते थे अपने ग्रुप में दोस्तों में काफ़ी हम फेमस थे मटन बनाने में, मटन अच्छा खाना बनाने, मटन चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, बनाते हैं हमको खाना कुकिंग अच्छा लगता था। अच्छा लगता, तो वहाँ से मतलब शुरुआत की, मटन का शुरुआत की तो रिस्पॉन्स देखे कि कस्टमर रिपीट कर रहा है, मतलब कि अच्छा लग रहा है उसको, ठीक लग रहा है। करते करते धीरे धीरे 2015 लास्ट में इसको स्टार्ट किए थे। अच्छा, और इतने दिन में बहुत सारा मेरा रांची में, रांची के किसी भी आप प्राइम लोकेशन पे जा करके 10 लोगों से पूछेंगे तो 4 से 5 लोग जरूर बता देगा कि हाँ सालन जानते हैं। ये अचीवमेंट हुआ हमारा, मज़ा आता है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो प्याज है ना अच्छे से भुन गया है और इसका जो पानी है सारा सूख गया है। हाँ, है ना। तो लगभग 15 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई किया गया। अब क्या करेंगे सर? अब इसमें मटन जो है वॉश करके रखा हुआ है। अच्छा, अभी ज़्यादा नहीं, 1 kg मटन है ये, इसको इसमें डाल देंगे। तो ये अच्छे से मटन को फ्रेश जो लेके आए हैं अभी कटिंग करवा के अच्छे से धो के रखा हुआ है, और अब इसके अंदर डाल रहे हैं नमक। हाफ तो पहले डाल दिए थे प्याज में ही, और हाफ जो बचा हुआ है, जो क्वांटिटी होना चाहिए नमक का, वो हम हाफ अब मटन के बाद। अब ये पूरी तरह से प्याज मिक्सअप करके इसको 1 से 1.5 मिनट तक ढक देना है। ये मसाला है इसमें। अच्छा, मिक्सचर जो इसका पड़ना चाहिए इंग्रेडिएंट्स, तो ये पहले से आपने तैयार कर? हाँ हाँ, ये तैयार रख रहा था ये। अच्छा, इसमें बहुत तरह का इंग्रेडिएंट है। तो ये आप खुद ही बनाते हैं? ये खुद कोई भी चीज़ इसमें सब सारा चीज़ शीट फॉर्म में कूटा हुआ है। अच्छा, बनने से पहले इसको कूटाता है मसाला बनने से पहले, और पेस्ट बन करके ये फ्रिज में रखा हुआ है तो 5 से 6 दिन तक। अच्छा, यूज कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या मतलब क्या क्या जाता है, कुछ आइडिया? 17 किस्म का आइटम है इसमें। अच्छा, 17 इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंग्रेडिएंट अलग अलग क्वांटिटी है।
तो अभी डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर मसाला। आप देखिए जो मसाला है ना, ये भैया ने खुद ही बनाया है और इसको मतलब स्टोर करके रखा हुआ है। ये गोटा मसाला रहता है, सब कूटा हुआ है, कूटा हुआ मसाला है। जिस तरीके से मसाला का पेस्ट, 17 तरीके के मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं और ये खुद की इनकी रेसिपी है। अभी 5 मिनट के बाद इसका खुशबू देखिएगा। ओके, और ये डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर पानी। तो अब इसको भुनना है सर। अब बता रहे हैं ये अब इस तरह से फ्लेम को डाउन करके हर 15 मिनट पे इसको फिर भुनना है। 4 बार ये होगा, 1 घंटे तक भुनाएगा ये। अच्छा, 1 घंटे तक। इसके बाद फाइनल टच में कुछ और इंग्रेडिएंट है जो इसमें डलेगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद ये फ्लेम ऑफ, मटन रेडी। अब 15 मिनट, हर 15 मिनट पे इसको एक बार हमको चलाते रहना है। तो अभी 15 मिनट हो गए हैं इसको, देखिए दोस्तों अपने से पकते हुए ना। तो अब इसको थोड़ा सा चला लेना है ताकि नीचे से ना लगे और जो मटन है हमारा उसमें जल्दी हर जगह। और धीरे धीरे जो उसकी खुशबू है दोस्तों वो भी आने लग गई है। जैसे जैसे मटन जो हमारा ना वो भूनता जाएगा ना, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त होती जाएगी। 180 रुपीज़ प्लेट है, उसमें 2 पीस होते हैं। हाँ, 2 पीस और प्लस चार पीस। 1 पीस का हमारा साइज रहता है आपका 60 से 70 ग्राम। अच्छा, 1 केजी में 16 से 17 पीस बनता है। 16 से 17 पीस बनता है, बहुत बढ़िया है। और क्या टाइमिंग है सर आपकी यहाँ? 12:30 से हमारा सर्विस शुरू हो जाता है। 12:30 शुरू कर देते हैं और कब तक? 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक, बहुत बढ़िया। और यहाँ का एक बार प्रॉपर एड्रेस बताइएगा सर। एड्रेस यहाँ पर हरमू चौक और अरोड़ा चौक के बीच में एक और छोटा सा जगह है, शिवदयाल नगर। बिल्कुल, शिवदयाल नगर चौक है। तो ये आपकी जो दुकान है ना, मैंने देखा जिस तरीके से मैं अभी आया हूँ तो काफ़ी अंदर आके है, जैसे कि बेसमेंट में तो है ही है मगर काफ़ी अंदर आके। तो दोस्तों एड्रेस वगैरह प्रॉपर दूंगा मैं आपको, बाहर की लोकेशन भी दिखाता हूँ किस तरीके से। तो आप भी कभी आते हैं तो एक तो नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, भैया को फ़ोन करके कभी भी आ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ना मटन टेस्ट करके ज़रूर जाइएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, है ना। सर दोस्तों हमारा मटन जो है ना वो लगभग 15-15 मिनट के गैप पे ना 4 बार हम अच्छे से चला चुके हैं, यानी जो हमारा मटन है अच्छे से भुन चुका है मसालों के साथ। अब जा रहा दोस्तों इसके अंदर ना एक और मसाला, ये देखिए। तो ये क्या भैया, गर्म मसाला है? गर्म मसाला, गर्म मसाला जा रहा है दोस्तों। खुशबू ना इसकी बड़ी लाजवाब आ रही है मसाले की, क्या बात है। और ये क्या है? प्योर घी है। अच्छा, घी डालते हैं इसके अंदर। देख सकते हो दोस्तों क्या बढ़िया तरीके से जो मटन है ना हमारा बिल्कुल भुन चुका है, देख रहे हो, बहुत ही लाजवाब। वो खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है इसके अंदर से ना। तो अब बस इसको पानी वानी डालना है। पानी डालना है, पानी डाल के फिर कितनी देर? 2 मिनट के बाद गर्म मसाला डाले हैं, इसका फ्लेवर पूरा मिक्सअप हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद 1.5 से 2 मिनट फाइनल टच मोड में फ्लेम को अब हाई कर लेंगे। अच्छा, मतलब अब हाई कर लेना है। हाँ, तो अब इसके अंदर पानी डालने से पहले फ्लेम हाई कर लेते हैं। हाई करना है, ये पानी हमारा फलता हुआ पानी, गर्म पानी रखा हुआ आपने। तो दोस्तों इसमें गर्मा गर्म पानी डाला जाएगा ताकि टेम्परेचर जो है ना अचानक से डाउन ना हो, इसलिए पहले ही पानी गर्म करके रखा हुआ। और अब ये देखिए मटन के अंदर डाल दिया गया। तो अब इसको लगभग कितने देर तक छोड़ेंगे पकाने के लिए? 20 से 25 मिनट। 20-25 मिनट दोस्तों, क्या कलर आ रखा है। अभी जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना तो इसके ऊपर जितना भी तेल है, रोगन है, वो आ जा रहा है, सारा आ जाएगा। अब देख सकते हो दोस्तों हमारा मटन है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडी हो गया सर? और देख सकते हो ऊपर जो ऑयल आया ना, मतलब रोगन अच्छे से आ चुका है और मटन बिल्कुल अच्छे से पक चुका है ना, क्या बात। तो लगभग हमने इसको 1.5 घंटे से 2.5 घंटे तक इसको पकाया अच्छे से, और इतना टाइम तो सर मटन में लग ही जाता है बनने में, है ना। अच्छे तरीके से अगर बनाया जाए तो इतना टाइम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मटन को ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से गलने में। बहुत बढ़िया, और खुशबू ना बड़ी ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों, गर्मा गर्म तैयार है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है पुरनीश जी जो कि यहाँ पे मटन इन्जॉय कर रहे हैं। तो सर कैसा लगा स्वाद? मुझे बहुत अच्छा लगा मटन एक्चुअली। मैं मतलब
मटन एक्चुअली पका हुआ भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और जो कॉम्बिनेशन है राइस का, क्योंकि देखने से लग रहा है बासमती राइस, तो बाकी भी जगह भी मैं खाया हूँ, जैसे यहाँ भी रांची में भी खाया हूँ, तो वहाँ मटन के साथ जो राइस का जो क्वालिटी होता है ना, उसमें थोड़ा वो उसना चावल मोटे वाला यूज कर, मोटे वाला कॉम्प्रोमाइज थोड़ा होता है। तो विद दिस ग्रेवी के साथ और मटन के साथ ये जो राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मटन तो पका हुआ भी है और बेस्ट मुझे यहाँ का। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं वाला? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया यहाँ पे। अच्छा। और रेगुलर मैं भी फूडी टाइप ही हूँ, तो हर जगह मैंने भी कवर करते रहता हूँ, तो अच्छा खाने का मेरा भी शौकीन है, तो आना जाना मेरा लगा रहता, तो मैंने बहुत दिन से मैंने इधर उधर वीडियो देखा था, तो वीडियो देख के मैंने यहाँ पे आया। अरे वाह, क्या बात है दोस्तों, देखिए फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे जो रिव्यूअर्स हैं उनको भी रिकमेंड करेंगे आप ये जगह? डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि अभी रांची में बहुत सारे ऐसे भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे उनको इतना कवरेज नहीं मिलता है, इतना मतलब लोकल लोग ही जा पाते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि बाहर के लोग भी मतलब आना चाहिए, और यहाँ पे आए तो ज़रूर यहाँ पे मतलब लोकेशन को फॉलो करें। ठीक है सर, थैंक यू, आप करिए एंजॉय। तो लो जो दोस्तों, फाइनली हमने अपनी प्लेट लगवा ली है, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए हमने जो निकाला था ना भैया, दो पीस हमें मटन के दिए हैं, एक ये जो है ये चाप का है, ये देखो है ना, और ये जो है ये सीने का पीस है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बासमती चावल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, तो ये बासमती चावल, और देख सकते हो क्या खिले खिले से चावल, देख रहे हो मज़ेदार है ना, तो खुशबू बड़ी लाजवाब आ रही है, और धीरे धीरे ना जो भूख है ना वो बढ़ने लगी है, और मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है, तो आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का बना है। भाई 2 घंटे की मेहनत लगी है इसमें मटन को बनाने में, तो मेरे ख्याल से तो स्वाद जो है ना बड़ा लाजवाब होना चाहिए, और देखिए ग्रेवी क्या मज़ेदार बनी है ना, बिल्कुल तरी वाला मीट, मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सेमी ग्रेवी है, मज़ेदार है, ओहो क्या बात है, और ये बिल्कुल होम स्टाइल कुकिंग है दोस्तों, जिस तरीके से भैया बनाते हैं ना अपने किचन के अंदर, खुद ही बनाते हैं। ओह वो देख रहे हो किस तरीके से पानी आ रहा है, आओ टेस्ट लेते हैं। मसालों का अच्छा फ्लेवर है, खड़े मसाले यूज़ किए गए हैं, और हल्का सा स्पाइसी है, और मटन ना दोस्तों स्पाइसी खाने में ही मज़ा आता है, हल्का सा स्पाइसी हो, बैलेंस्ड हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना, ये उसी तरीके की कुछ ग्रेवी है, बिल्कुल बैलेंस वाली, और ये देखिए चाप का पीस देख रहे हो, ओह देख रहे हो कैसे डीबोन हो रहा है भाई साहब, अच्छे से पक चुका है, और जो फ्लैश है इसका बिल्कुल पिंक वाला है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश मटन जो है वो लेके आए हैं और उसको बनाया हुआ है। मटन के साथ एक बार बाइट लेते हैं। फ्लेवर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, जो असली फ्लेवर जो आ रहा है ना वो आ रहा है दोस्तों पूरे का पूरा मटन का, और असली मटन जब खाएंगे ना तो उसकी क्या पहचान है कि आप जब मटन खा रहे हो तो मसाले उसमें ज़्यादा ना लगें, मटन का स्वाद जो है वो आए, है ना, तभी जब मटन खाने का एक फ्लेवर होता है जो उस वो खाने का मज़ा आएगा। दूसरा पीस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सीने का, ये भी रखते हैं, और गर्मा गर्म है बिल्कुल, अभी अभी जैसे मैंने दिखाया कि आपको बना था ना, ये देख रहे हो कैसे निकल रहे हैं, अच्छे से पक चुका है ना, इसने हड्डी छोड़ दी है, तो मज़ा आ गया दोस्तों सही में। आप भी यहाँ पे आइएगा, होटल का नाम है सालन, और पूरा एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आइएगा, भैया का नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, फ़ोन करके आइए, पूछ के आइए, है ना, टाइमिंग वगैरह सब कुछ, और मज़े लीजिएगा। और इसमें ना एक खुशबू मेरे को आ रही है ना, वो हिट कर रही है बार बार मेरे को, इलायची की काफ़ी अच्छी खुशबू है, और मसाले जो डाले हैं ना उन्होंने जिस तरीके से ये बता रहे थे कि 17 तरीके के मसाले यूज़ किए हैं, तो मसाले प्रॉपर है, कुटे हुए मसाले जिसको कहते हैं ना, दरदरे टाइप के मसाले हैं, हल्के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं था, तो वो एक खाने में मटन के अंदर वो अच्छा फील लाते हैं और बढ़िया टेस्ट देते हैं। चलिए दोस्तों, खाना खा के तो मज़ा आ गया, और अब बज चुके हैं दोस्तों 1:30। जी हाँ दोस्तों, हम सुबह 10 बजे आए थे और 1:30 बज गए, बनते हुए हमने देखा किस तरीके से 2 से 2.5 घंटे तक पहले बनाया गया, और जो खाया है ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, रांची में जितने भी मटन करी मैंने खाई ना, उसमें से ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप भी यहाँ पे आइएगा, विजिट करिएगा, भैया से मिलेगा, खाइए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको ना बड़ा ही मज़े मतलब पसंद आने वाला है, और चटकारे ले लेके खाएंगे। इनकी जो ग्रेवी थी ना दोस्तों, वो अलग से मतलब उसको ना चम्मच के साथ पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था,
तो आइए टेस्ट करिए, है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों रांची की नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।